हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च को हुआ था, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो क्वेश्चंस किया है कि सर हमारे इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, क्या हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं, और क्या हम अगले स्टेज में पहुँच पाएंगे या नहीं। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 21 मार्च को, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है वो अराउंड 1,10,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, और जो कमीशन की तरफ से जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे वो किए गए थे 2,10,000 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए हैं उनका परसेंटेज 55 के आसपास बैठता है। 55% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है इस बार। एग्ज़ाम के लेवल के बारे में जानते हैं, और जो इसका ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था वो था मॉडरेट टू टफ। इसका लेवल को काउंट किया गया है। इसमें 170 क्वेश्चंस में से जो 50 क्वेश्चंस थे वो जनरल स्टडी से संबंधित थे। जनरल स्टडी में हमारे पास इंग्लिश था, रीजनिंग था, इसके साथ साथ हमारे पास पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जनरल हिंदी और करंट अफेयर, ये टॉपिक पूछे गए थे। और जो इनका लेवल था वो इजी था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी ही पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे जो मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। तो अगर जिनके 50 में से 30 से लेकर के 35 के बीच में क्वेश्चंस ठीक हैं तो उनको अच्छा माना जाएगा, लेकिन जिनके क्वेश्चंस जो अब वो 35 से अब ठीक हैं, 35 से लेकर के 45 के बीच की रेंज में है, तो ये वेरी गुड माना जाएगा और ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। जिनके क्वेश्चंस 35 से लेकर के 40-45 तक जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा इनके लिए, और ये गुड अटेम्प्ट मानी जाएगी। जिनके क्वेश्चंस 40 से अबव है। अब चर्चा करते हैं हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन की। तो कंप्यूटर सेक्शन से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 120 क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ पूछा गया है। इन 120 क्वेश्चंस में से ये जो आईटी से संबंधित क्वेश्चंस थे इनमें जो है अप्रोक्सीमेट 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और इसमें हमारे पास 30 से 35 मॉडरेट लेवल के थे, और अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि टफ लेवल के थे, और हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे, जो हर स्टूडेंट कर सकता था अगर उसने थोड़ी बहुत तैयारी इसमें की थी। तो इस तरीके से हमारे पास जो इजी टू मॉडरेट के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऐसे 30 से लेकर के 35 ही क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो हर स्टूडेंट के कर सकता था, हर स्टूडेंट इनको आराम से कर सकता था। ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है इस सेक्शन को। चूंकि आप सभी को पता होगा कि इस एग्ज़ाम जो क्वालिफिकेशन है वो +2 है, और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो +2 करके भी एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, जिनका कंप्यूटर सेक्शन इतना अच्छा नहीं है, और हिमाचल में अक्सर कंप्यूटर से रिलेटेड इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम से। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी जो है वो कंप्यूटर में प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, और ऐसे जो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी मात्रा में है जो +2 करने के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और जिनका कंप्यूटर में अच्छा बेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने BCA की है, MCA की है, और BTech करने वाले स्टूडेंट भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं
जिनका कंप्यूटर में अच्छा बेस है, जिनका कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है। तो ऐसे स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से किया है। बस यही वो स्टूडेंट है जो जिनका कंप्यूटर सेक्शन बढ़िया होगा और इनके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस काफ़ी बढ़िया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस एग्ज़ाम में तो हमारे पास इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ है। अब चर्चा करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ होगी ये एलिजिबल होगी टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये कट ऑफ काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी और वो अगले स्टेज के लिए तैयार रहिए और अब टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। तो चर्चा करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जनरल जूआर कैटेगरी की। तो जनरल जूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जो जा सकती है इस बार, वो जा सकती है अराउंड 44 से लेकर के 48 के बीच में, और जिन स्टूडेंट के अराउंड 85 क्वेश्चंस से लेकर के 90 क्वेश्चंस तक ठीक हैं और वो जनरल जूआर कैटेगरी से संबंधित हैं तो वो अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अराउंड रह सकती है 40 के आसपास, ठीक है, 40 के आसपास रह सकती है। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, या मतलब हमारे पास ये 38 से लेकर के 42 के बीच में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं EWS कैटेगरी की। अगर आपके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं और आप EWS कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको अगले स्टेप की तैयारी जो कि टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास OBC UR कैटेगरी की। तो OBC UR कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड ऑफ कट ऑफ है वो हमारे पास है 38 से लेकर के 40 के बीच में और इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो SC UR कैटेगरी की। तो SC UR कैटेगरी की जो कट ऑफ जो रह सकती है वो हमारे पास रह सकती है 37 से लेकर के 39 के बीच में और इसमें अपने प्लस माइनस 2 कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी की है वो है ST UR। तो ST UR की जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 35 से लेकर के 37 के बीच में, प्लस माइनस आप 2 इसमें भी कर लीजिए। क्योंकि इसके एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा पूछा गया है तो इसकी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अगले स्टेज के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो जनरल BPL की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, तो जनरल BPL की जो कट ऑफ है वो हमारे पास अराउंड रहेगी हमारे पास 40 से लेकर के 42 के बीच में। इसके बाद हमारे पास OBC BPL की बात करें तो OBC BPL की जो कट ऑफ है वो हमारे पास जो रहने के चांसेस है वो 37 से लेकर के 38 के बीच में रहने के चांस है। इसके अलावा SC BPL की बात करें तो SC BPL कैटेगरी की भी हमारे पास 35 से लेकर के 37 के बीच में चांसेस हैं और ST BPL की बात करें तो ST BPL के हमारे पास जो कट ऑफ है वो हमारे पास 34 से लेकर के 36 के बीच में रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अगली स्टेज के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो कि टाइपिंग टेस्ट है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर टाइपिंग टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए और आपके अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप है या कोई भी कंप्यूटर है तो
आप इन पर जाकर के आप अगले स्टेज के लिए टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पर स्पीड बनाने के लिए कम से कम 1 महीने, ठीक है, 1 मंथ की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड में अच्छी बनती है। और जब इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मींस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तब आपके पास अप्रॉक्सीमेट 15 to 30 डे ही मिलेंगे आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए, और इसका टाइपिंग टेस्ट काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगले स्टेज के लिए। और फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद ही इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा और फाइनल मेरिट बनेगी, और फाइनल मेरिट में वही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जितनी वैकेंसीज होगी। तो फ्रेंड्स, ये है एक इम्पोर्टेंट वीडियो HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स जी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको अगले स्टेज के लिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।